हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड जीके। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस दी लॉ एंड जीके, मींस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड कंटेंट्स ऑफ जीके एज वेल। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी जीके ऑफ हरियाणा, मतलब हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड हैं, जो कि आ सकते हैं एग्जाम में। आज हम उनको डिस्कस करेंगे, हरियाणा की डेमोग्राफी, अपॉइंटेड डिग्नेटरीज, तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जीके। चलिए चलते हैं अब हरियाणा जीके की ओर। देखिए, जो हरियाणा का जो नाम पड़ा है, तो इसको ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है हरियाणा का? रज हरियाणे। एंड जो मनुस्मृति है, उसमें नाम मिलता है ब्रह्मव्रत, और इस पे लास्ट ईयर HCS में क्वेश्चन भी आया था। जिसको कहाँ बताया गया है? बिटवीन द रिवर्स, जो दो रिवर्स के बीच में है, सरस्वती और दृष्टवती। ओके, तो ये दो रिवर्स के बीच में पड़ता है ब्रह्मव्रत। ये कहाँ से रेफरेंस मिलता है? मनुस्मृति से। इन 1997 एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हरियाणा वाज पार्ट ऑफ पंजाब। तो जब 1949 में पहला चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया पंजाब और हरियाणा का? इट वाज भीम सेन सचर। सचर कमेटी भी जो बोलते हैं, जिसमें रिकमेंडेशन थी कि देयर इज लिंग्विस्टिक डिफरेंस बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, जिसको हम सचर फॉर्मूला भी बोलते हैं। कब वो उन्होंने रिकमेंड किया था? 1-10-1949। एंड लेटर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार उकम सिंह कमेटी, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। कब? 1-11-1966, जिसको हम हरियाणा डे भी बोलते हैं। ऑल राइट, तो फर्स्ट CM कौन बने हरियाणा के? तो जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बने हरियाणा के, रिवाज पंडित भगवत दयाल शर्मा। और आज के टाइम पे कौन है नाउ चीफ मिनिस्टर? इज श्री मनोहर लाल खट्टर। अब हम जब चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हरियाणा के, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग CM? तो वो थे चौधरी भजन लाल। ये कितने दिन CM रहे? 11 years 10 months and few days। तो टोटल इनका जो टेन्योर रहा वो था 4,317 डेज का। इनके बाद कौन रहे फिर? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 9 years के अराउंड इनका टेन्योर रहा। सबसे ज्यादा बार कौन बने? 4 times, दैट इज ओम प्रकाश चौटाला। एंड 3 बार 3 times CM फ्रॉम 3 different parties, दैट इज ओम प्रकाश चौटाला। ऑलराइट, और आज के टाइम में मनोहर लाल खट्टर जी, ही इज 10th CM ऑफ हरियाणा, 10th चीफ मिनिस्टर हैं। एंड जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट इज 14th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। अब बात करते हैं गवर्नर की, गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो फर्स्ट कौन थे? श्री धर्मवीर, ठीक है। नाउ अभी कौन है? श्री बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। अर्लियर ही वाज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर कोई पूछ ले तो। कब आए थे ये? आए थे जुलाई 2021 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। आज के टाइम पर यही हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन रहे? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ही वाज सेकेंड गवर्नर ऑफ हरियाणा। कब से कब तक रहे ये? 15-4-1967 से 26-3-1976 तक, मतलब अराउंड 11 years, लॉन्गेस्ट टेन्योर। एंड शॉर्टेस्ट किसका रहा? ओम प्रकाश वर्मा। 2-7-2004 में ये बने थे, और कितने दिन के लिए रहे? सिर्फ 5 days, 7-7-2004 में इनको हटा दिया गया। तो लॉन्गेस्ट हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और शॉर्टेस्ट हैं ओम प्रकाश वर्मा। तो अगर आ जाए BN चक्रवर्ती भी, अगर आ जाए BNC, याद रखिए, और OPV पूछ सकते हैं एग्जाम में। एंड ही वाज 13th गवर्नर ऑफ हरियाणा। अब बात करते हैं स्पीकर की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, स्पीकर ऑफ हरियाणा असेंबली। तो फर्स्ट कौन थे? महिला थी पहली शन्नो देवी, मतलब फीमेल तो ये थी, और मेल कौन थे फिर? राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। तो अभी जो कैबिनेट है हरियाणा की, 15-member कैबिनेट, 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एंड 6 स्टेट मिनिस्टर्स।
ऑल राइट, अभी के टाइम पर नाउ हु इज स्पीकर ऑफ हरियाणा, ज्ञानचंद गुप्ता, ध्यान रखिएगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ही रहे हैं तो हु इज इन ओपोजिशन, मतलब विपक्ष का नेता कौन है, लीडर ऑफ ओपोजिशन, फर्स्ट कौन थे, प्रताप सिंह दौलता, नाउ इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ओके, तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है हरियाणा में, 90 सीट्स हैं, और लोकसभा सीट कितनी है, 10, एंड राज्यसभा की अपर हाउस दैट इज ओनली 5 सीट्स। ओके, तो हर क्वेश्चन में आता है कि टोटल संसद में कितनी सीटें हैं हमारी, तो टोटल है 15 हरियाणा से। 1966 में कितनी सीट्स थी टोटल, जब हरियाणा बना था 1166 को, उस टाइम कितनी थी, 54 लेजिस्लेटिव असेंबली में 54 सीट्स थी, अब कितनी है, अब है 90, एज आई सेड अर्लियर। प्रेसिडेंट रूल क्या लगा है हरियाणा में कभी, यस, कितनी बार लगा है, 3 टाइम्स। फर्स्ट कब लगा था, 2 नवंबर 1967, कब तक, 22/5/1968 तक, मतलब टोटल 202 डेज रहा था। ओके, उसके बाद फिर कब लगा, 30/4/1977 से 21/6/1977, मीन्स 52 डेज की इमरजेंसी लगी थी। और फिर थर्ड इमरजेंसी कब लगी, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, 108 डेज की इमरजेंसी लगी थी। यही पूछ सकते हैं कब से कब तक लगे, तो ईयर देखिए 67, 77, 91। अब डेमोग्राफी की बात करते हैं, हरियाणा की डेमोग्राफी, तो हरियाणा की डेमोग्राफी बात करें अगर, तो सबसे पहले देखिए जो लैटिट्यूड है हरियाणा का, इट इज़ 27° 39' टू 30° 35' नॉर्थ, एंड 74° 28' टू 77° 36' ईस्ट। दिस इज़ द लैटिट्यूड एंड दिस इज़ द लॉन्गिट्यूड। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ, कितने एरिया में फैला हुआ है टोटल एरिया, इट इज 44212, मतलब 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है हरियाणा टोटल। इट इज 1.4% ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कितना परसेंट है। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा की, एज पर 2011 सेंसस, अब तो बढ़ चुकी होगी काफ़ी, पर जो एज पर जो अभी वही ले रहे हैं 2011 की सेंसस का, 2,53,51,462 पीपल। तो इसमें मेल एंड फीमेल जो हैं, दैट इज 1,34,94,734 मेल हैं, और फीमेल कितनी है, 1,18,56,728, मतलब 1,18,56,000 आर फीमेल्स। तो हरियाणा को डिवाइड किया गया है टोटल 6 डिविजन्स में, डिविजन कितनी है, 6। कौन कौन सी डिविजन्स है अभी बताते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 22। फिर सब डिविजन्स कितनी है, 72। रेवेन्यू तहसील्स कितनी है, 93। एंड ब्लॉक्स कितने हैं, 140। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें अगर, तो 20th डिस्ट्रिक्ट वाज मेवात, इसको इस्टेब्लिश किया गया 2005 में, बट 2016 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नू डिस्ट्रिक्ट है अब। 21st डिस्ट्रिक्ट वाज पलवल, इस्टेब्लिश इन 2008। एंड 22nd डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी, चरखी दादरी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, 2016 में। तो एट द टाइम ऑफ जब हरियाणा बना 1/11/1966 को, तब कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, ओनली 7 डिस्ट्रिक्ट, 7, आज के टाइम पे 22 हैं। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आपको पूछ ले कोई कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसी भी दूसरी स्टेट की बाउंड्री से नहीं मिलती, तो वो है चरखी दादरी एंड रोहतक। देखिए रोहतक भी किसी से नहीं मिलता, दादरी भी कहीं किसी से नहीं मिलता, दोनों बीच में है। बाकी सबकी जो स्टेट बाउंड्रीज टच करती हैं, देखिए इस साइड है राजस्थान, यहाँ दिल्ली हो गया, इधर कौन सा आ गया, यहाँ आ गया यूपी, ये भी यूपी है, ये राजस्थान है, ठीक है, ऊपर क्या है, पंजाब, यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो कितनी स्टेट्स को टच करती है बाउंड्रीज हरियाणा की, 4 स्टेट्स को, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड HP। ओके, अब देखिए डिविजन्स हैं, कौन कौन सी डिविजन्स हैं, पहली है रोहतक डिवीज़न, फिर है गुड़गांव डिवीज़न, फिर है फरीदाबाद डिवीज़न,
अम्बाला डिवीजन, करनाल डिवीजन एंड हिसार डिवीजन, हो गए छः, 1 2 3 4 5 6। ऑल राइट, तो अब अम्बाला डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्रा एंड यमुनानगर। करनाल में कौन सी आएंगी? कैथल एंड पानीपत। हिसार में कौन कौन सी आ गई? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। रोहतक में दादरी, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक। गुड़गांव में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड गुड़गांव। एंड फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल एंड नू। ऑल राइट, अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, दैट इज सिरसा, एंड स्मॉलेस्ट इज फरीदाबाद। टोटल विलेजेस कितने हैं हरियाणा में? तो 7,356 विलेजेस टोटल। एंड सिटीज एंड टाउन कितने हैं? दैट इज 154। और पंचायत कितने विलेजेस में है? 6,212। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं यहाँ पर, दैट इज फरीदाबाद। और लीस्ट, सबसे कम जो पॉपुलेटेड है, दैट इज पंचकुला। अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे डेंस जो है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, दैट इज अगेन फरीदाबाद। एंड लीस्ट कौन सी है? दैट इज सिरसा। कितने हैं? 2,442 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और सिरसा में कितने हैं? 303। लोकायुक्त ऑफ हरियाणा फर्स्ट कौन थे? प्रीतम पाल। अभी कौन है? जस्टिस हरिलाल वर्मा। एक्चुअली क्या होता है, जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको लगाया जाता है एज अ लोकायुक्त ऑफ स्टेट। तो अभी जो हमारे यहाँ से रिटायर हुए हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, तो हरिलाल वर्मा जी को बनाया गया है। तो हम बात करते हैं स्टेट के, जो हमारे स्टेट ट्री कौन सा है? पीपल। फ्लावर इज लोटस। एनिमल कौन सा है हरियाणा का? ब्लैक बक, काला हिरन। एंड बर्ड कौन है? ब्लैक फ्रेंकोलिन, काला तीतर। स्टेट गेम ऑफ हरियाणा कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा हो सकता है? रेसलिंग। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कौन थे? जस्टिस रामलाल। और आज के टाइम पर कौन है? जस्टिस रविशंकर झा। ओके, फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ हरियाणा इस्टेब्लिश्ड इन अम्बाला, अम्बाला रेडियो स्टेशन। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, दैट वाज चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, HAU जो बोलते हैं अभी। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है हरियाणा का? अभी जो बढ़ के कितना हो गया है? 1592, पहले इससे कम था, अभी और बढ़ सकता है, बिकॉज अभी जो स्कीम आई है, मैंने करंट अफेयर्स में बात करी है, ऑक्सीवन लगाए जा रहे हैं एंड फॉरेस्टेशन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि अगले साल तक ये थोड़ा सा और बढ़ जाए। अभी के लिए 1592। लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा इज 75.55%। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? हाइएस्ट इन इंडिया, 35% के अराउंड। अभी ये सर्वे हुआ था, ये नीति आयोग ने बताया कि हाइएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज इन हरियाणा। बात करते हैं सेक्स रेशियो की, क्योंकि वैसे तो सेक्स रेशियो जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी कम है, बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो है फिफ्थ हुआ है ये, 2019 से और 2021 तक का डेटा इसमें दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है एट दिस टाइम, इट इज 893 फीमेल्स पर 1,000 मेल। ओके, ये बढ़ गया है पहले से, जो फोर्थ सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाज इन 2015 एंड 16, उस टाइम पर कितनी थी? 836। तो अभी काफ़ी बढ़ गया है, 57 का इंक्रीज है। अभी आज के टाइम पे जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कहाँ पर है? इन उत्तराखंड। अब जो है केरला में नहीं है, केरला तो काफ़ी नीचे आ गया। उत्तराखंड में कितना है अभी? 984 पर 1,000 फर्स्ट स्टेट। सेकंड कौन सी है? कर्नाटका, 978। थर्ड कौन सी है स्टेट? JNK, 976। अभी रिसेंट सर्वे की बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में आया हुआ था ये सब। सबसे हायर जो इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज, इट इज़ इन दिल्ली। दिल्ली में पहले कितना था? 812, अब कितना हो गया? 923, 111 का इंक्रीज है हाईएस्ट। इसके बाद उत्तराखंड का इंक्रीज है, देखिए उत्तराखंड टॉप पे पहुंच गया ना, पहले कितना था? 888 था सिर्फ, अब देख कितना पहुंच गया? 984। और आज के टाइम में जो इंडिया की सेक्स रेशियो है, अगर इंडिया की बात करेंगे अगर, तो इट इज़ 929, विच हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 919
फोर्थ सर्वे में 919 थी, अब जो है 929 है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जिसपे कि हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।